In today's class, we are going to discuss the topic of the water resource. The topic is water resource question. So water is a very important resource and we can't expect a life without water. लेकिन वाटर जो है वो डे बाय डे कम होता चला जा रहा है. देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, पानी की कमी होती चली जा रही है. तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उन सॉल्यूशंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उनका सॉल्यूशंस निकालते हैं, ये आज का टॉपिक हमें वाटर रिसोर्स में डिस्कस करना है. तो रिसोर्स एज यू नो दैट एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट इज नोन एज द रिसोर्स. एंड वाटर रिसोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज वी कांट एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट वाटर. तो देखिए, तो इसमें हमें इंट्रोडक्शन में तो ये डिस्कस करना होगा इसके इंट्रो में कि वैसे तो जो अर्थ है हमारी उसके ऊपर 71% तो वाटर है और हार्डली 30% लैंड है. लेकिन इतना पानी होने के बाद भी पोटेबल वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर है वो हार्डली 2.5% है, क्योंकि 96.5% 71% वाटर जो है टोटल वाटर बॉडीज उसका 96.5% वाटर जो है वो सलाइन वाटर है, खारा पानी जो समुद्र के अंदर है. 1.1% जमीन के नीचे है वो भी खारा पानी है. तो 97.5% हो गया जो कि ड्रिंकेबल पोटेबल वाटर नहीं है. अब जो फ्रेश वाटर है वो हार्डली 2.5% है जो रिवर्स और लेक्स के अंदर है और कुछ फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे है. तो और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 18% है पूरे वर्ल्ड का और पानी जो हमें मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में दैट इज ओनली 4%. तो वाटर रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री के अंदर जो पर पर्सन है वो 133rd रैंक है हमारी पूरे वर्ल्ड में. तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है और उसके साथ जो ये कमी है हमारी डे बाई डे बढ़ती भी चली जा रही है. क्यों बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज पॉपुलेशन है हमारी, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में हमारी, और उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उसको फूड प्रोवाइड कराने के लिए डिपेंड ऑन द बेसिकली मोर एंड मोर ऑन द एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं. तो एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाई डे और लैंड का साइज जो है वो कम होता चला जा रहा है डे बाई डे, क्योंकि उसी लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करते हैं और अर्बनाइजेशन भी है. तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है और अर्बनाइजेशन, लोग जब रहेंगे तो घर बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, तो ये सब चीजें अर्थ के ऊपर ही बनेंगी. तो लैंड तो हमारी कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वाटर हमारा और वाटर स्कैर्सिटी भी हमारी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है. पानी की कमी हो रही है, लैंड कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये. और उसके बाद जो पानी ऑलरेडी कम है और उसको हम पॉल्यूट भी कर देते हैं तो इस वजह से वो प्रॉब्लम और एक्यूट हो जाती है. तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हम डैम्स बनाते हैं. अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज कर रही है तो और लैंड का साइज कम होता जा रहा है, तो कम लैंड में से हमें ज्यादा लोगों के लिए फूड बनाना है, ज्यादा लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस करना है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी चैलेंजेबल जॉब. तो उसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे कम एरिया से ज्यादा लोगों के लिए क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग कर पाए. लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये आ जाता है कि ये जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हम यूज करते हैं, डेफिनेटली उससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ती है. ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ हमारी कंट्री में जो स्वामीनाथन ने किया और उस ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से ही हमारी फूड प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ी और हमारी फूड प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई. लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये आता है कि जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनको सॉल्युबल होने के लिए, घुलने के लिए जमीन में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो उनको हमें इरिगेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है और वो इरिगेशन सॉइल के अंदर एक वाटर को रिटेन करने की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है. उस कैपेसिटी से ज्यादा पानी अगर सॉइल में चला जाएगा तो वो पानी जमीन के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में वो जाकर वो पानी मिल जाता है. और उस अंडरग्राउंड और उस पानी के अंदर ऑलरेडी हमने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं, केमिकल्स डाले हुए हैं, तो वो जमीन के नीचे जाके उस पानी को और पॉल्यूट कर देते हैं. तो जो हमारी पानी की प्रॉब्लम थी पॉल्यूशन की वजह से वो और एक्यूट हो जाती है. उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, केमिकल्स का वेस्ट जो होता है वो भी हम डायरेक्ट पानी में डालते हैं तो वहां से भी हमारा पानी पॉल्यूशन होता है. ऑफशोर ड्रिलिंग हम लोग करते हैं, जो वाटर जो ओशंस होते हैं, ओशन बेड्स के नीचे से हम ड्रिल करते हैं, जो जो समुद्र होता है, समुद्र की जो जमीन होती है उसके नीचे से हम लोग ऑयल निकालते हैं, गैसेस भी लेते हैं और पेट्रोलियम्स भी लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑयल है वो लीक कर जाता है
उसके लीक करने से जो पॉल्यूशन जो ओशन वाटर होता है वो भी पॉल्यूट हो जाता है, उसके साथ साथ न्यूक्लियर वेस्ट भी हम लोग पानी में डिस्पोज करते हैं। तो इन सब चीजों से हमने क्या देखा कि ऑलरेडी पानी कम था और पॉल्यूशन की वजह से पानी और कम होता चला जा रहा है। तो जो प्रॉब्लम है, जो वाटर प्रॉब्लम है, वो डे बाई डे एक्यूट होती चली जा रही है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग डैम्स बनाते हैं लैंड के ऊपर, सॉरी रिवर्स के ऊपर हम डैम्स बनाते हैं। तो जो डैम्स बनते हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं कुछ और कुछ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो पॉजिटिव जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके उसके अगेंस्ट फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट हुआ या टेरी डैम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो डैम्स हम बनाते हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम जो पानी को स्टोर कर लेते हैं डैम्स के अंदर और उससे हम बिजली बनाते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम उससे और उससे हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क्स पूरे होते हैं। तो दैट इज इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है डैम्स का। उसके साथ हम इरिगेशन करते हैं, जो पानी हमने रोका जमा किया उसको हम कैनाल्स के थ्रू डिफरेंट हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस पूरे होते हैं, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है, इरिगेशन होता है उससे। उसके साथ हम फ्लड को भी कंट्रोल कर लेते हैं। फ्लड आता है तो फ्लड का जो बाढ़ आती है उसका बहुत डिस्ट्रक्टिव रूप हो जाता है, तो डिस्ट्रक्शन बहुत होती है उससे। और उसको कंट्रोल जो है जब हम डैम्स बना लेते हैं तो वाटर के लैंड उसमें रिवर के ऊपर, तो वो फ्लड को भी कंट्रोल करता है। फिर इसमें फिश ब्रीडिंग वगैरह भी हम लोग करते हैं, रिक्रिएशन भी होता है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव साइड्स हैं डैम्स की, मेरिट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, जैसे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन होता है। जब हम डैम बनाते हैं रिवर के ऊपर, तो जो प्लांट लाइफ है और एनिमल लाइफ वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो जो एक चेन बनी हुई है इकोलॉजिकल बैलेंस की, वो चेन डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जैसे कि एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन होता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट इसकी डिमेरिट है डैम्स की। उसके साथ रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी, रिडक्शन सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है डैम्स के बनने से, क्योंकि जब तक डैम नहीं बने होते तो पानी पूरा फ्लो के साथ आता है, और वो उस पानी के साथ सिल्ट भी होता है, सिल्ट जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और वो जब सॉइल से मिलता है, सिल्ट्स के मिलने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब हम डैम बना देते हैं तो जो वाटर का फ्लो है वो बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जिससे कि सिल्ट सॉइल में नहीं मिल पाता और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल पीपल, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट कुछ लोगों के लिए, कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेवलपमेंट लेकर आते हैं और कुछ के लिए डिस्ट्रक्शन ले आते हैं। तो जो लोकल पीपल्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो दैट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द डैम्स। उसके बाद जो एक्वाटिक लाइफ है वहां पर जो फिश वगैरह है उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। टेरिटरी वाटर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं डैम्स के बनने से, जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में गोदावरी और कृष्णा रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स हो गए, तो दैट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द डैम्स। फिर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस ऑफ द डैम्स। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम लोगों ने डैम्स के अंदर पानी को ब्लॉक कर दिया, तो उसके जो ग्राउंड उसका जो लेवल होता है बॉटम लेवल पर रॉक्स और मिनरल्स जमा होते चले जाते हैं, और पानी जब हम डैम्स के अंदर डालते हैं और पानी जब आता है, तो उसके बाद सेडिमेंटेशन की वजह से जो डैम्स का जो एरिया होता है वो एरिया कम हो जाता है और फ्लड को वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो डैम्स बनाए थे हमने फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन वो फ्लड वहां से ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे कि 2006 में हुआ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में और गुजरात में डिवास्टेटिंग फ्लड हुआ। तो ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स थे डैम्स के। तो इन नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से पीपल जो है उस पर्टिकुलर एरिया के जो ज्यादा उस पर सफर कर रहे हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला या टेहरी डैम्स चला। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने डैम्स बनाए थे वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन डैम्स से भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव के रूप में एक ऑप्शनल आता है हमारे पास, जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। जैसे तमिलनाडु जो कंट्री में पहली स्टेट बन गया जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया, लीगली कंपलसरी है वो, वहां पर जो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ लीगली एक्शन भी होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये कि जब बरसात होती है तो पानी जो छतों पर आता है वो ऑटोमेटिकली छतों के ऊपर स्लोप होता है, जब हम हाउस बनाते हैं तो स्लोप के ऊपर होता है उसमें, जिससे पानी नीचे आ जाता है और ग्राउंड में आ जाता है पानी, और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जो छत है रूफ्स हैं वहां से हम पाइप्स लगाते हैं और वो पाइप ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड जाते हैं, और वो पाइप जो वाटर है रेन्स का जो छतों से जो पानी आता है रूफ का जो पानी है वो ड्रेन्स पाइप्स के थ्रू ग्राउंड के नीचे चला जाता है, और जो ग्राउंड लेवल कम हो चुका है पानी का उस पानी को वो रिचार्ज कर देता है, लेवल ऊपर आ जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
पर्टिकुलरली राजस्थान एरिया और सेमी रेड एरियाज में हम लोग खादिन्स बनाते हैं, झोर्स बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, या उसमें हम लोग टंकास भी बनाते हैं। टंकास जो कि अंडरग्राउंड रूम्स होते हैं जिसमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं और उसको जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यूज करते हैं। हिमाचल प्रदेश में या माउंटेनियस एरियाज के अंदर हम गुल्स बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो गुल्स में हम वाटर स्टोर करते हैं और उससे अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली मेघालय में हम बैम्बू ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। तो बैम्बू ड्रिप जैसे प्लेन्स एरियाज में तो हम लोग वाटर के लिए पाइप्स लगा देते हैं और पाइप्स के थ्रू वाटर आता है, लेकिन हिली एरियाज के अंदर ये लोग पाइप्स की जगह बैम्बूज यूज करते हैं। तो जब ऊपर फ्लो से जैसे हिल्स से या माउंटेन से जब पानी का प्रेशर आ रहा है, स्प्रिंग नीचे आ रहा है, झरने के रूप में पानी नीचे आ रहा है, तो वहां पर बैम्बूज लगा दिए जाते हैं और बैम्बूज के थ्रू अपने के थ्रू पानी लेते हैं और वो जो एरिया होता है अराउंड 100 मीटर्स के अंदर वो बैम्बूज ड्रिप इरिगेशन करते हैं, जिसमें एक बैम्बू के अंदर अराउंड 18-20 लीटर्स पानी आ जाता है और एक मिनट के अंदर 20-80 ड्रॉप्स पानी उसमें से डिस्चार्ज होता है और उनका जो पर्टिकुलर एरिया जो क्रॉप एरिया होता है वो इरिगेट होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वाटर स्कैर्सिटी क्यों है, उसके क्या कॉजेस थे उसके और क्या क्या हमने उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स स्टूडेंट्स।